गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। अप टू प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी हैड कंप्लीटेड एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑन लीव एंड एप्लीकेशन ऑन टीसी। हम एप्लीकेशन लीव पर भी कंप्लीट कर चुके थे और टीसी पर भी कंप्लीट कर चुके थे। अब हमको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ हमको टू काइंड के पढ़ने हैं। पहला काइंड है माय बेस्ट टीचर और दूसरा है माय बेस्ट फ्रेंड। दो पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं और एग्जाम में आपके पैराग्राफ ब्लैंक्स टाइप में आएंगे, यानी कि कुछ ब्लैंक्स छूटी हुई होगी उसमें वर्ड्स आपको फिटेड करना है, उस अकॉर्डिंग पैराग्राफ आएगा। तो मैंने मेंशन कर दिया पैराग्राफ आपको लिखना है। इस पर माय बेस्ट टीचर, मेरे अच्छे शिक्षक, सबसे बेस्ट टीचर के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। आप स्कूल जाते हो तो आप एक ऐसे टीचर जरूर होंगे जिसको आप सबसे ज्यादा लाइक करते हो, बेस्ट टीचर, उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने इसे मेंशन कर दिया है। डेवलप ए पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ डेवलप करना है ऑन माय बेस्ट टीचर। किस पर? ऑन एनी पर। किस पर? माय बेस्ट टीचर पर आपको एक पैराग्राफ डेवलप करना है बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स है छूटी हुई थी मैंने पहले से भर दी है, तो फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में फिल करना है विद सूटेबल वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। जो ये ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए ना, मैं कुछ उन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में पढ़ना था। तो पहला वर्ड दिया गया है काइंड टीचर। काइंड टीचर का मतलब होता है दयालु शिक्षक। दूसरा बेस्ट, बेस्ट मतलब अच्छे, टीचर्स मतलब पढ़ाते हैं, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान, कम्स मतलब आते हैं, लव्स मतलब प्रेम या प्यार, क्लास टीचर। क्लास टीचर आप सबको पता है, एक टीचर होते हैं उनको पूरी क्लास की मॉनिटरिंग दे दी जाती है, वो सारे उसी क्लास को संभालते हैं, उनको बोलते हैं क्लास टीचर। और ये हेल्प हो गया। तो मैंने कितने वर्ड दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आठ वर्ड्स दे दिए हैं। इन आठों वर्ड्स को यूज करते हुए आपको पैराग्राफ डेवलप करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई हैव मैनी टीचर्स, आई हैव मैनी टीचर्स मतलब मेरे पास बहुत शिक्षक है, यानी मेरी स्कूल में बहुत शिक्षक है। बट लेकिन मिस्टर रतन जी, जो रतन जी है इज माय बेस्ट टीचर, वो क्या मेरे बेस्ट टीचर है, सबसे अच्छे शिक्षक मुझे क्या लगते हैं, रतन जी लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक्स छोड़ दी, ब्लैंक्स बनाई है और ब्लैंक्स में पहला वर्ड क्या भर दिया, बेस्ट, यहाँ से उठाया बेस्ट, तो बेस्ट टीचर। ओके, तो आपको एग्जाम में इसी टाइप के आएंगे, ब्लैंक्स छोड़ दूंगा, उस ब्लैंक्स में ये वर्ड्स भरने हैं और पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या हुआ, आई हैव मेनी टीचर्स, मेरे पास बहुत शिक्षक है, इट मीन्स मेरे विद्यालय में बहुत शिक्षक है। बट मिस्टर रतन जी, लेकिन जो मिस्टर रतन जी है इज माय बेस्ट टीचर, वो सबसे अच्छे टीचर है। ही टीचेस, वो पढ़ाते हैं अस, हमको पढ़ाते हैं, ऐसे हमको पढ़ाते हैं इंग्लिश, क्या पढ़ाते हैं हमको, इंग्लिश पढ़ाते हैं टीचर्स मतलब पढ़ाते हैं अस, यानी हमको इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही कम्स, कम्स यानी आते हैं डेली टू स्कूल, डेली यानी प्रतिदिन स्कूल आते हैं, टू स्कूल यानी स्कूल आते हैं। ओके, कौन आते हैं, मिस्टर रतन जी। ही किसके लिए है, रतन जी के लिए, प्रोनाउन यूज हुआ, ही कम्स, वो आते हैं। देखो कम्स की वर्ड यहाँ से उठा के यहाँ फिटेड किया है, डेली, डेली यानी रोजाना स्कूल, रोजाना स्कूल आते हैं। ही वर्क्स हार्ड, वे हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। ही लव्स, वो प्रेम करते हैं, लव्स करते हैं। हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को लव करते हैं। ठीक है, कौन, मिस्टर रतन जी। वी यानी हम, ऑल रेस्पेक्ट, हम सब उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, यानी उनकी। ही इज आवर क्लास टीचर, वो हमारे क्या है, क्लास टीचर है। ही इज आवर क्लास, हमारे क्लास टीचर है। ओके, ही हेल्प्स, वो मदद करते हैं द पुअर स्टूडेंट्स, पुअर स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। ओके, ही इज ए काइंड टीचर, और कैसे टीचर, काइंड टीचर। देखो तो यहां पर 8 वर्ड थे, तो 8 वर्ड ही मैंने फिल अप करवा दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो एग्जाम में भी आपको इसी टाइप के पैराग्राफ आएंगे। मैं ये जो वर्ड की जो ब्लैंक्स है उसको खाली छोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, खाली छोड़ दूंगा, और ये आपको बेस्ट पढ़ना पड़ेगा, टीचर्स पढ़ना पड़ेगा, कम्स पढ़ना पड़ेगा, लव्स पढ़ना पड़ेगा, रेस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्लास टीचर पढ़ना पड़ेगा और काइंड टीचर, ये वर्ड्स ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो जो ब्लैंक्स छोड़े हुए उन्हीं ब्लैंक्स को ही मैं दूंगा, अदर्स और कुछ भी नहीं दूंगा। अंडरस्टूड, इसी टाइप के आएंगे, ब्लैंक्स टाइप में आएंगे, पूरा पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं। तो ये आज का काम रहेगा, आपको पैराग्राफ अपने नोटबुक में मेंशन करना है और उसके बाद उसको एक बार ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके बच्चों।